नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 10,229 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11,926 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं सक्रिय मामले घटकर 1,34,096 हो गए हैं, जो करीब 17 महीनों का न्यूनतम स्तर है। इस दौरान 125 लोगों की संक्रमण से मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या 4,63,655 हो गई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दिल्ली में पराली जलाना प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं, क्योंकि इसका योगदान केवल 10% है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का हलफनामा कहता है कि प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार है। कोर्ट ने माना कि कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण के प्रमुख कारण पराली जलाने के अलावा परिवहन, उद्योग और यातायात हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा कि अगर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए NCR और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन अनिवार्य किया जाता है तो वे पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के NCR क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाना सार्थक होगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण कार्यों, गैर जरूरी ट्रांसपोर्ट, बिजली संयंत्रों को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाने को कहा है। कोर्ट ने मामला बुधवार तक टालते हुए केंद्र और NCR क्षेत्र के राज्यों को इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना कर रहा है। बेकार बहाने हमें आपके राजस्व का ऑडिट करने को मजबूर करेंगे। दरअसल कोर्ट ने सड़कों की सफाई के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछा था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि नगर निगमों से हलफनामा मांगा जा सकता है। राज्यसभा सांसद और पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है, आज सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 342, मुंबई का 202, कोलकाता का 69, बेंगलुरु का 44 और चेन्नई का 47 था। उन्होंने आगे लिखा, ये शहर आबादी, गाड़ियों, उद्योगों और कचरे के मामले में एक जैसे हैं, सोचिए अंतर क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस पर कहा, भारत के आदिवासी बेटे और बेटियों ने अंग्रेजी सत्ता को हर कालखंड में चुनौती दी। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार देने के साथ साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत थे। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने गांव में दलितों के घर जाएं, उनके साथ चाय पिएं और उन्हें विधानसभा चुनाव में पार्टी को वोट देने के लिए मनाएं। सिंह ने कहा, उन्हें समझाएं, वोट राष्ट्रवाद के आधार पर डाले जाते हैं, न कि जाति, धन या क्षेत्र के आधार पर। उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार को लखीमपुर खीरी घटना की जांच राज्य के बाहर के हाईकोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कराने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सहमत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही SIT को अपग्रेड करने और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए उच्च ग्रेड अधिकारियों को इसमें शामिल करने का निर्देश दिया। त्रिपुरा में हिंसा को कवर करने गई दो महिला पत्रकारों समृद्धि सकुनिया और स्वर्ण झा को रविवार को असम के करीमगंज में हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले त्रिपुरा पुलिस ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। दोनों को गुवाहाटी जाने के लिए एयरपोर्ट जाते समय हिरासत में लिया गया। ED व CBI के निदेशकों का सेवाकाल 5 साल तक बढ़ाने के लिए लाए गए केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये इस सरकार का तानाशाही रवैया दिखाता है। उन्होंने कहा, वे किसी से विमर्श नहीं करते, क्या वे एक पुलिस राज्य बनाना चाहते हैं? वे संसदीय लोकतंत्र को अपमानित व बर्बाद कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन में कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के अब तक के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर सख्त क्वारंटीन नियम लागू किए गए हैं। रविवार को 32 नए मामले सामने आए। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच कोविड-19 के 1,308 मामले दर्ज किए गए, जो गर्मियों में मिले 1,280 मामलों से अधिक हैं।
उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार दिसंबर से गायों के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि अभिनव एम्बुलेंस अभियान के तहत 515 एम्बुलेंस तैयार की गई हैं। बकौल मंत्री, फोन आने पर एम्बुलेंस एक पशु चिकित्सक व दो सहायकों के साथ 15 से 20 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने बताया कि एटीएस ने 600 करोड़ रुपए की कीमत की 120 किलोग्राम हेरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बकौल डीजीपी, हेरोइन एक पाकिस्तानी बोट से आरोपियों के पास आई और वे समुद्र के रास्ते इसे गुजरात लेकर आए। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इसे पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताया है। अक्टूबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 5 महीने के उच्चतम स्तर 12.54% पर पहुंच गई। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में इजाफे से पिछले महीने थोक महंगाई दर में ये तेजी देखने को मिली। गौरतलब है कि सितंबर में थोक मुद्रा स्फीति 10.66% थी। एक्टर संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने आस्क मी एनीथिंग सेशन में शादी करने के सवाल पर कहा, इस उम्र में डेटिंग करना खतरनाक है। मैं तब शादी करूंगी जब मुझे एक अच्छा इंसान मिलेगा जो मेरे साथ सम्मान, प्यार और प्रशंसा के साथ पेश आएगा। उन्होंने लिखा, उत्सुकता वश पूछ रही हूँ कि आप फैंस में से कितने सिंगल हैं। एमपी पुलिस द्वारा 3 लोगों को कथित तौर पर अमेजॉन इंडिया पर 1,10,00,000 रुपए का 20 किलोग्राम गांजा बेचने को लेकर गिरफ्तार करने की रिपोर्ट्स के बाद कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अमेजॉन के खिलाफ एनसीबी जांच की मांग की है। सीएआईटी के महासचिव ने कहा, अगर आज अमेजॉन पर गांजा बेचा जा सकता है तो कल अवैध हथियार भी सप्लाई हो सकते हैं। न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया के T20 विश्व कप 2021 जीतने के बाद भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने अपने ट्वीट में गलती से न्यूजीलैंड को जीत की बधाई दे दी। ट्रोल होने के बाद मिश्रा ने ट्वीट डिलीट कर ऑस्ट्रेलिया को बधाई देते हुए दूसरा ट्वीट किया। एक यूजर ने तंज कसा, वायु प्रदूषण की वजह से टीवी स्क्रीन ठीक से नहीं दिखी। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।